ये ऊपर स्विट्जरलैंड का जो फ्लैग है मेडिकल किट के ऊपर अक्सर इस तरह के साइन बने होते हैं। ये स्ट्रीट अच्छी है, शुगर थोड़ा बहुत रश नजर आया भाई। ये जी अभी एक टनल आ रही है बड़ी, ये देखें किसने क्लोज से हम गुजर रहे हैं। साइकिल टर्न करते हैं और फिर ज्यूरिख में मिलते हैं इंशाल्लाह। ज्यूरिख जाते हुए रास्ते के अंदर गांव या विलेज जाता है, लेकिन उधर एक लुंगन लेक है, आपको मैं वो चेक कराता हूँ कैसी है। लेट्स हैव अ लुक, दिस इज लुंगन लेक गाइस। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी, अभी भी लेकिन बारिश अभी भी हो रही है थ्रू आउट, लेकिन ये जगह बहुत प्यारी है। चेक करें यार कितना प्यारा इसका कलर है, अभी बारिश हो रही है तो ये इसका कलर ये है, जब ये सूरज निकला होता है तो ये बहुत ही ब्राइट और कमाल ग्रीन कलर की है। और ये सारी वैली आप देख ही लें, लुंगन वैली आउट क्लास है, आने वाली जगह है, आप लोग ज़रूर आएँ। मेरे पास तो टाइम बहुत शॉर्ट है क्योंकि हमने आगे जाना है ज्यूरिख, तो ज्यूरिख जाने के लिए टाइम शॉर्ट है क्योंकि हमने वहाँ पर चेक इन भी करना है होटल में। तो रास्ते में ये ऑलमोस्ट कोई 20 मिनट्स थोड़ा सा अवे था, लेकिन इस व्यू के लिए वर्थ इट था, आना चाहिए, तो आप लोग भी जरूर आए। अच्छा ये जी लुंगन लेक में अरसलान ने एक पॉइंट कोई ढूंढा है, वो कह रहा स्पेशल वहां से जाके लुंगन लेक को कैप्चर करना है, तो अब वॉक कर रहे हैं उस पॉइंट पहुंचने के लिए। यहां से अब आपको लुंगन लेक का व्यू दिखाता हूँ। चले जी व्यू देख लिया, अब चलते हैं ज्यूरिख, लेट्स गो। ज्यूरिख एंटर हो गए हैं, अभी सिटी आपको दिखाता हूँ, जरा होटल में जरा चेकिंग कर लें। होटल से निकल रहे हैं, ये अम्ब्रेला ले लिए होटल से, अब सिटी सेंटर को एक्सप्लोर करें और कुछ खाने के जरिए जा रहे हैं जी। लेट्स गो गाइस, वी आर रेडी, लेट्स गो, सो लेट्स एक्सप्लोर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वेलकम फ्रॉम ज्यूरिख। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, या मेरे ड्रेस वगैरह देख रहे होंगे, आप कह रहे होंगे एक ही यूनिफॉर्म में वीडियोस बनाई जा रहा है, एक्चुअली यही मैं एक जैकेट लाया हूँ जो कि वाटरप्रूफ, जब से आया हूँ यूरोप में बारिश जाने नहीं छोड़ रही, तो अभी भी इसे आप देख रहे हैं। अम्ब्रेला के साथ शुक्र अम्ब्रेला मिल गई है, मैरियट होटल में स्टे किया तो उन्होंने की तरफ से मिल गई है, तो अभी हम जा रहे हैं जी खाना खाने। हाँ जी ये है जी, ओके 1001 टेक अवे, ऑर्डर करते हैं जी कुछ अब खाना और फिर एक्सप्लोर करेंगे ओल्ड टाउन सिटी सेंटर सब कुछ ज्यूरिख का। इसका जैसा ही लग रहा है, अच्छा चलो चेक कर लेते। बहुत प्यारा बना हुआ है ये सारा, ये चर्च है, ये भी चर्च है, क्योंकि ये बारिश हो रही है तो इन्होंने सारे ये बोट्स वगैरह कवर की हुई हैं, वैसे ये ओपन होती हैं रूटीन में। ये सारा अब दूसरी साइड पे जाना, ये ब्रिज है सामने, इस ब्रिज से वॉक करके
तो इनके सारे सेंटर में जो ओल्ड टाउन है इनका, वहां पे हम जा रहे हैं। ये जी बड़ी प्यारी है। अब ये ओल्ड टाउन में जाने के लिए जो ब्रिज क्रॉस करना था ना आपने, ये ब्रिज के ऊपर मैं इस टाइम वॉक कर रहा हूँ और ये बहुत ही प्यारी नीचे लेक है। इस टाइम तो वैसे नज़र सही नहीं आएगी लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो सामने ओल्ड टाउन है जहाँ पे हम जा रहे हैं, तो ये अभी ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं इसके ऊपर से। तो ये ब्रिज क्रॉस करके तो अब हमने जाना है उससे ओल्ड टाउन वाली साइड पे। आज ज्यूरिक एक्सप्लोर करें क्योंकि आज ज्यूरिक से हमने सुबह निकलना है ऑस्ट्रिया के लिए। सुबह ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, उसका एक शहर है इंसबर्ग, वहाँ जाना है। तो आज का दिन ही है सिर्फ हमारे पास, तो सोचा आज ज़रा बारिश भी। पूरे ओल्ड टाउन में हमारे अलावा कोई भी नहीं है वैसे आज। ये पूरे टाउन में आज ज्यूरिक हमने अपने लिए बुक कराया हुआ आज। इस टाइम टाइम हो रहा है 10 बजने वाले हैं, तो सारा टाउन वैसे भी बारिश रही है सारा दिन और संडे का दिन है, तो ये इनका अलग है मेन टाउन है, कोई बंदा ना बंदे की ज़्यादा इस टाइम। तो पूरा टाउन समझ ले ज्यूरिक हमने अपने लिए बुक किया हुआ आज, इंजॉय कर रहे हैं स्ट्रीट्स के ऊपर। चले वो एक कहावत है पता नहीं, भागते चोर की लंगोटी सी, अब आए तो हैं इंजॉय करते हैं जो भी स्ट्रीट्स मिल रही हैं, क्योंकि सुबह यहाँ से निकलना है हमने अर्ली ऑस्ट्रिया के लिए, तो जो नज़र आ रहा है जो मिल रहा है एंजॉय करें। ट्रैम्स देखें कितनी प्यारी है इनकी। ये ऊपर स्विट्जरलैंड का जो फ्लैग है, मेडिकल किट के ऊपर अक्सर इस तरह के साइन बने होते हैं। बात तो सही है। ये स्ट्रीट अच्छी है। शुगर थोड़ा बहुत राशन नजर आया भाई। हाँ स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं कामरा में, इससे रिक्वेस्ट करते हैं कामरा में कोई गाना सुनाया हमें स्ट्रीट के ऊपर। क्या हुआ वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। ये ऐसे जैसे पूरा ज्यूरिक हमने बुक कराया हुआ। नो डाउट आप आए यहाँ पर मेरे साथ, बुक ना कर्फ्यू लगवा दिया है। यार ज्यूरिक तो पूरे डेड पड़ा, अभी 10:30 बजे का टाइम है, ऐसे जैसे बंदा लो बंदे की जाग, कर्फ्यू लगा हुआ वाकई। सारी ज्यूरिक की सड़कें छान मारने के बाद अब होटल पहुंच गए मैरियट। अब हम लोग जाके करेंगे रेस्ट और सुबह निकलेंगे, क्योंकि आज तो आप लोगों को ज्यूरिक दिखाई दी है किस तरह का था, बिल्कुल खाली। अब चलते हैं रूम में। The next day. नए दिन के साथ ज्यूरिक से आज हम एग्जिट होने लगे। अब हम लोग जा रहे हैं इंटरवासल, स्विट्जरलैंड के अंदर ही बिल्कुल इसके लास्ट पे जो ऑस्ट्रिया से मिलता है, इसके पास एक वाटरफॉल है, वहाँ जा रहे हैं। अल्लाह करे आज थोड़ी सी बारिश कम हो जाए, लेकिन बारिश अभी भी हो रही है जो आप देख सकते हैं। जब से आए हैं ऐसा एक रेन स्टॉर्म आया हुआ है कि बारिश रुक ही नहीं रही, लेकिन चलें कोई नहीं, हमने उसका भी इंतज़ाम कर लिया है। ये बॉल आपको नज़र आ रहा होगा, ये कीचड़ नहीं है एक्चुअली इसके अंदर, इंग्लिश में कहूँ तो रेनकोट, उर्दू में कहूँ तो बरसाती इसके अंदर हमने ले ली है, क्योंकि हमारे इरादे पस्त नहीं हो सकते। अब आए हुए हैं एंजॉय तो करेंगे, अब हम जा रहे हैं। चलो जी लेट्स गो फॉर न्यू एडवेंचर।
अभी जिस वाटरफॉल पे जा रहे हैं तो रास्ते में एक व्यू पॉइंट आया बहुत अच्छा, तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ पे ज़रा स्टे किया जाए। अभी हम स्विट्ज़रलैंड में ही हैं बाय द वे जी। ये रास्ते में जो लेक आई है इसका नेम है जी वॉलन सी। व्यू पॉइंट था बड़ा अच्छा, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। एक घंटे की ड्राइव के बाद ये लेक आई थी, तो अब यहाँ से ऑलमोस्ट कोई 30 मिनट्स दूर वो पॉइंट है जहाँ पे वाटरफॉल है, जहाँ पे हमने हाइक करके जाना है जिस वाटरफॉल के लिए हम जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है, शुक्र है थमी है, तो अब चलते हैं अपने पॉइंट पे जहाँ पे इंजॉय करना है। बड़ी प्यारी लेक थी है, तो एक पॉइंट था, हमने कहा चलो थोड़ी देर यहाँ पे इंजॉय करते हैं। ये जी अभी एक टनल आ रही है बड़ी, ये देखें कितनी क्लोज से हम गुजर रहे हैं। ये रास्ते में एक और वाटरफॉल आ रही है।